नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और सुबह के बजे हैं 9। और देखिए, मैं पीने जा रही हूँ ये गर्मा गर्म चाय। और ये गर्मा गर्म चाय मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको कि ऐसी गर्मा गर्म चाय मैं अपने प्लांटों के लिए भी बनाने जा रही हूँ। और उस चाय में मैं क्या डालूँगी और कैसे बनाऊँगी, और वो आप वीडियो में देखना, तभी फ्रेंड आपको पता लगेगा कि मैंने ये चाय अपने प्लांट के लिए कैसे बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैंने लिया है यहाँ पर 10 लीटर पानी, और अब मैं अपने पौधों के लिए बनाने जा रही हूँ सुपर चाय। और ये चाय बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे प्लांट के लिए, सर्दी हो या गर्मी हो। फ्रेंड, अभी खाद नहीं दे सकते हैं प्लांट में, खाद से हमारे प्लांट खराब हो जाएंगे। तो इस तरह की चाय आप बनाकर पिलाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावर भी बहुत अच्छे आएंगे, और हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं हम किस तरह से इस चाय को बनाने वाली हूँ। देखिए, मैंने लिए हैं उपले, इसमें उपले डालूँगी 4। जब फ्रेंड ये 10 लीटर पानी है तो इसमें मैं 4 उपले डाल दूंगी। ये उपले बहुत छोटे हैं, इसलिए अगर आपके उपले बड़े हैं तो आप 2 उपले डालिएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए हैं 4 उपले फ्रेंड। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा बेसन, ये बेसन होगा 50-100 ग्राम के करीब। तो इस बेसन को मैं डाल दूंगी फ्रेंड इस तरह से। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें मट्ठा मतलब लस्सी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लस्सी डाल रही हूँ, कुछ मैंने इस तरह से एक कटोरी लस्सी ली है। और अब मैं इसको हाई पर बनाने के लिए फ्रेंड इसमें डालूंगी गुड़। देखिए, ये गुड़ भी फ्रेंड 100 ग्राम होगा। तो इस तरह से आप ये जो चाय है बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और कमाल की चाय बनने वाली है। तो फ्रेंड, इस चाय में बहुत ही आनंद आने वाला है, और इस चाय में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फ्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फुलविक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, पोटास, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे पोषक तत्व इसमें फ्रेंड पाए जाते हैं। इसलिए हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने पौधों को ज़रूर पिलाएं। तो फ्रेंड, इस खाद को अब हम रख देंगे छाया वाली जगह पर। और सर्दी के मौसम में तो फ्रेंड, अभी सर्दी है तो कहीं भी रख सकते हो, छाया में, धूप में। अब ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है तो आप कहीं भी रख सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पर ही रख दूंगी, और आप ढककर रख सकते हैं, किसी भी चीज़ से ढक दीजिए। आपके पास जो कुछ हो, पन्नी हो, ढक्कन हो, तो मेरे पास ये इस तरह का एक ये पन्नी पड़ी हुई है, इससे मैं ढक दूंगी। तो इस तरह से आप कवर करके रखना है, और इसको फ्रेंड मैं इस तरह से रस्सी से बांध दूंगी जिससे ये अच्छी तरह से कवर हो और इसके अंदर से बढ़िया से हमारी ये खाद बनके तैयार हो जाए। ये बहुत सुपर डुपर खाद है, चाय है हमारे प्लांट के लिए। और जब ये बनके तैयार होगी तब आप इस चाय का कलर देखना, और ये बहुत ही बढ़िया हमारे प्लांटों के लिए होती है। तो फ्रेंड, अक्सर मैं ये बनाती रहती हूँ अपने प्लांट के लिए। तो इसको मैं इस तरह से ढक के यहाँ पर रख दूंगी फ्रेंड। अब मैं दूसरी खाद आपको बना के दिखाऊंगी कि कौन सी और मैं डालूंगी इसमें खाद। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये बाल्टी ली है,
और इसके अंदर मैंने एक ये खाद बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए ये एक सप्ताह के लिए फ्रेंड इसको मैंने रखा था, और इसमें है फ्रेंड देखिए आप, इसमें हमने डाले हैं फ्रूट के छिलके फ्रेंड, और डाले हैं हमने इसमें सब्जी के छिलके हैं और फ्रूट के हैं, और फ्रेंड पानी है, और तो कुछ नहीं डाला है। तो देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है, और ये रेड कलर इसका कैसे है, ये रेड कलर ऐसे है फ्रेंड कि मैंने इसमें डाल दिए थे चुकंदर के छिलके और मूली के छिलके, तो ये चुकंदर के छिलके से ये इसका कलर ऐसा चेंज हो गया है, और ये बहुत बढ़िया हमारी पौधों के लिए ये खाद है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर है फ्रेंड, अक्सर इसको मैं देती रहती हूँ अपने पौधों में, और फ्रेंड हमेशा यूज़ करती हूँ मैं। 10 से 12 दिन के बाद आप इस खाद को दे सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया हमारे फ्लावर प्लांट के लिए, सब्जी वाले प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कुछ देखिए हमारी खाद बनके रेडी हो चुकी है, एक सप्ताह के लिए फ्रेंड मैंने इसको रख दिया था, और ये जो छिलके थे और फ्रूट के छिलके सब्जी के छिलके जो भी थे सारे फ्रेंड मैंने इसमें जमा करके, और देखिए अब ये बिल्कुल सड़ चुके हैं, और इससे फ्रेंड मैं अपने खाद बना लूँगी, जो मैं किचन वेस्ट खाद बनाती हूँ उसमें इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसको फेंकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया खाद है, और ये सड़ चुके हैं, और इससे बहुत जल्दी हमारी खाद बनके तैयार भी हो जाएगी, तो इसको मैं डालने वाली हूँ अपनी खाद में। अब फ्रेंड इसमें देखिए कम से कम 2 लीटर ये है हमारी ये लिक्विड फर्टिलाइजर, तो इसमें 2 लीटर पानी और मैं ऐड करूँगी, और उसके बाद अपने जो हमारे फ्लावर वाले प्लांट हैं उनमें दे दूंगी, और सब्जी के तो मैं लगाती नहीं हूँ फ्रेंड, टमाटर लगाए हुए हैं उसमें मैं डाल दूंगी, और हमारे जो और भी प्लांट हैं उनको भी मैं दे दूंगी। ये जो मैंने हाइपर खाद बनाई है ये अपने पौधों के लिए जो कंडे वाली फ्रेंड, इसको मैं एक सप्ताह के लिए इसी तरह से रख दूंगी, और एक सप्ताह के रखने के बाद इसको मैं यूज़ करूंगी, और इसको यूज़ करने के लिए फ्रेंड आप 5 लीटर में 1 लीटर ये लिक्विड डाल सकते हैं, और फ्रेंड इसको आप एक सप्ताह के लिए जब रख देंगे तो इसको एक दिन के बाद इसको खोल के और आप डंडे से चला देंगे, इसको चलाना जरूरी है फ्रेंड, तो इसको एक दिन के बाद दूसरे दिन खोल के और चला देना है, ऐसे ही करके आप एक सप्ताह तक इसको रख दीजिए, ये हमारी बहुत ही बढ़िया खाद बनके तैयार हो जाएगी। जब ये खाद बन जाएगी फ्रेंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से प्लांट में डाल रही हूँ और किस तरह से मैं अपने प्लांट में यूज करती हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इसमें जितनी हमारी ये लिक्विड फर्टिलाइजर था उतनी मैंने इसमें दे दिया है पानी, अब ये बराबर हो चुका है, जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब इस तरह से अपने प्लांट में डाल देंगे फ्रेंड। अब फ्रेंड मैंने लिया है इसमें ये डिब्बा है, इसके अंदर मैं ज़्यादातर खाद बनाती रहती हूँ, और इसमें मैंने लिया 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी में फ्रेंड मैं डालूँगी इसमें ये जो हमारा ये मस्टर्ड केक होता है उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और करीब फ्रेंड 100 ग्राम मैं इसमें डालूँगी, और जिसको हम सरसों की खली भी बोलते हैं फ्रेंड, तो इसको मैंने फ्रेंड 100 ग्राम ले लिया है, देखिए आप इस तरह से 100 ग्राम ले लिया है, और इस 1 लीटर पानी में इसको मैं डाल दूंगी, तो देखिए इस तरह से आप इसको मिक्सी में पीसकर भी डाल सकते हैं, और इसको देखिए ये चूरा है तो हमने नहीं पीसा फ्रेंड, और बड़ा बड़ा जो होता है ना पीस वो भी गल जाएगा, बहुत जल्दी गल जाता है, और इसको भी फ्रेंड मैं एक सप्ताह के लिए मतलब 7 दिन के लिए मैं इसको भी रख दूंगी, इसी तरह से ढक्कन बंद करके फ्रेंड
और मैं इसको रख दूंगी, और इसको भी आप बीच बीच में चलाते रहना। ये बहुत ही बढ़िया हमारे पौधों के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर है। और इसको फ्रेंड आप जो मस्टर्ड केक है इसको आप पीस कर अपने पौधों में एक एक चम्मच भी डाल सकते हैं सूखा, और उसके बाद पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैं तो हाथ से ही चला दे रही हूँ, और आप डंडे से भी चला सकते हैं, और इस तरह से मैंने इसको चला दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी एक ये ढक्कन बंद करके फ्रेंड, और इसमें भी बहुत सारे हमारे प्लांट को पोषक तत्व मिल जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया ये हमारे प्लांट के लिए खाद है। और इस खाद को डालने के लिए फ्रेंड हम फ्लावर वाले जो प्लांट है उनमें बहुत अच्छी होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे बहुत अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। तो फ्रेंड ये वाली खाद आप फ्लावर वाले प्लांट में ज़रूर डालें, और ये किसी भी पौधे में आप इस खाद का यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया खाद है। तो मैं फ्रेंड ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, तो इसी तरह फ्रेंड आप भी करिए। अब देखिए फ्रेंड इसको मैं रख दूंगी छाया वाली जगह पर, और बीच बीच में इसको भी चलाना है, एक से दो दिन के बाद इस खाद को भी आप चलाएंगे। और डंडे से चला दीजिए, हाथ से नहीं चलाना है, डंडे से चलाना है, और इसको अच्छे से ढक्कन बंद करके फ्रेंड रखना है, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है ढक्कन, नहीं तो इसमें गैस बन जाएगा, इसीलिए तो आपको बीच बीच में खोलना पड़ेगा। एक से दो दिन के बाद इसको खोलकर आप चला दीजिए डंडे से, और हमारी बहुत ही बढ़िया ये एक सप्ताह में खाद बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड मैंने इसको भी यहाँ पर छाया वाली जगह पर रख दिया है। अब ये जो मैंने फर्टिलाइजर बनाया है इसको मैं अपने पौधे में डालूंगी फ्रेंड। देखिए इसका कलर आप देखिए, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको आप जरूर अपने प्लांट में यूज करें फ्रेंड। और हमको रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं फ्रेंड, और हमको बहुत ही बढ़िया इस खाद मिल जाती है, फर्टिलाइजर मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है हमारे पौधों के लिए। तो चलिए मैं डाल देती हूँ, मैं कितनी कितनी इस क्वांटिटी में डालूंगी मैं चलिए दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड मैंने ले लिया ये मग्गा, और इसको मैं देखिए थोड़ा थोड़ा सारे प्लांट में दे दूंगी। तो ये मेरा है प्लांट फ्लावर वाला, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, और यहाँ पर भी डाल देती हूँ। और ये डायंटस का है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ्रेंड मैं डाल दूंगी, और ये है हमारा पिटोनिया, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, और ये है क्लांचो, क्लांचो में बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर खिलने वाले हैं, तो इसमें भी डाल दूंगी। और देखिए फ्रेंड ये है हमारे टमाटर, इसमें भी मैं डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा देने से हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। और ये तो फ्रेंड अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो इससे कोई भी नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होगा, इसीलिए फ्रेंड मैं ये अपना फर्टिलाइजर बनाती हूँ और अपने प्लांट में देती हूँ। और आप हमारे प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है फ्रेंड। मैं कोई केमिकल खाद यूज़ कभी भी नहीं करती हूँ, हमेशा मैं ऑर्गेनिक खाद यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में, और वो मैं आपके साथ में भी शेयर करती रहती हूँ। और आप भी इसी तरह से बिल्कुल फ्री का फलों के छिलके का या फिर सब्जी के छिलके का और आप बनाते रहिए, और दाल और चावल का जो पानी होता है फ्रेंड उसको भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट में दे देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो ये देखिए जेड प्लांट है इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा, जेड प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है, और ये सर्दी हो गर्मी हो ये अपनी ग्रोथ कभी नहीं रोकता है। सर्दियों में फ्रेंड थोड़ी थोड़ी कम ग्रोथ करता है, और गर्मियों में ज़्यादा ग्रोथ करता है। और इस तरह से मैं सारे प्लांट में खाद डाल देती हूँ फ्रेंड।
जो भी फ्रेंड हमारे प्लांट है, कभी भी ये लिक्विड फर्टिलाइजर कभी भी नुकसान नहीं देता है, हमारे हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में डाल दीजिए, कोई भी प्लांट हो फ्रेंड, फ्लावर का हो या बिना फ्लावर का हो, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है फ्रेंड, तो इसलिए हम इसी को ज़्यादा यूज करते हैं फ्रेंड। इस तरह से फ्रेंड मैं सारे प्लांट में इस लिक्विड को दे दूंगी, और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और बहुत अच्छी ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। चाहे फ्रेंड इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, सारे प्लांट में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये कभी भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं देता है, बहुत फायदेमंद होता है और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं, सब्जियां आती हैं। तो इस फर्टिलाइजर को आप 10 से 15 दिन में ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है हमारे पौधों के लिए, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और कोई कीड़ा भी नहीं लगता हमारे प्लांट में फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी करता है, फ्लावर भी देता है, सब्जियां भी देता है, सारे न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइजर में होते हैं फ्रेंड, और कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो इस फर्टिलाइजर को आप ज़रूर प्रयोग कीजिए अपने प्लांट पर। वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक कमेंट और शेयर भी करना फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।